इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किंग चार्ल्स द थर्ड के ताजपोशी की तमाम तैयारियां हो चुके हैं। 70 साल बाद ब्रिटिश राज परिवार में किसी का राज तिलक होने जा रहा है। 70 साल पहले उस वक्त क्वीन का राज तिलक किया गया था और अब उनके बेटे किंग चार्ल्स की ताजपोशी अब से थोड़ी देर में होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर एबे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस ताजपोशी में दुनिया भर से करीब 2000 मेहमान शामिल हो रहे हैं। इनमें दुनिया भर के वैश्विक नेता, शाही परिवार के सदस्य और अलग अलग सेलिब्रिटी शामिल होंगे। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किंग चार्ल्स की ताजपोशी में शामिल होंगे। Your Majesty, as children of the Kingdom of God, we welcome you in the name of the King of Kings. In his name and after his example, I come not to be served, but to serve. तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भव्य कार्यक्रम हो रहा है और इसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आने की उम्मीद की जा रही है। सैकड़ों साल पुराना राज परिवार परंपराओं का पालन करता रहा है। एक वक्त पर पूरी दुनिया में अधिकतर देशों पर इस राज परिवार का शासन था। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता और 70 साल बाद अब एक बार फिर से ताजपोशी हो रही है। लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद ब्रिटेन में राजशाही चलती रही और राजशाही और लोकतंत्र का तालमेल ब्रिटेन में देखने को मिला और अब किंग चार्ल्स अपनी मां की जगह ब्रिटेन की गद्दी संभाल रहे हैं। यह खास बग्घी होती है और इसमें लगे हुए जो घोड़े होते हैं वो भी खास होते हैं। बग्घी से किंग चार्ल्स यहां पहुंचे, बेहद खास होता है कार्यक्रम। परंपराओं के साथ इसे पूरा किया जाता है। अपनी पत्नी कैमिला पार्कर के साथ नजर आ रहे हैं किंग चार्ल्स द थर्ड। दर्जनों घुड़सवारों का दस्ता, अंगरक्षकों का गार्ड करता हुआ किंग की बग्घी को, यह सब कुछ उसी तरह से हो रहा है जैसा कि सैकड़ों साल से होता आ रहा है। आता है क्वीन एलिजाबेथ की जब ताजपोशी की गई थी तब पहली बार दुनिया ने इस समारोह का नजारा देखा था टेलीविजन के माध्यम से। उससे पहले यह बिल्कुल प्राइवेट अफेयर होता था, लेकिन अब तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और दुनिया भर के दिग्गज नेता और राज परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं। खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और प्रिंस हैरी भी नजर आ रहे हैं।
I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. I here present unto you King Charles, your undoubted king. Wherefore, all you who are come this day to do your homage and service, are you willing to do the same? God save King Charles. प्रक्रिया चल रही है किंग चार्ल्स की ताजपोशी की। यहां पर राज परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर किंग चार्ल्स यहां अब किंग की भूमिका निभाएंगे आधिकारिक तौर पर। अपनी मां क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद वे यूनाइटेड किंगडम और तमाम अन्य जो इसके अधीन देश आते हैं उनके किंग बन चुके हैं, लेकिन आधिकारिक ताजपोशी आज हो रही है। परंपरागत तरीके से इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। धर्मगुरु उन्हें पद की शपथ दिलाते हुए और शाही परिवार के अन्य सदस्य वफादारी की शपथ लेंगे। चार्ल्स का राज तिलक, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा। The royal law. These are the lively oracles of God. Your Majesty, the Church established by law, whose settlement you will swear to maintain, is committed to the true profession of the Gospel, and in so doing will seek to foster an environment in which peoples of all faiths and beliefs may live freely. The coronation oath has stood for centuries and is enshrined in law. Are you willing to take the oath? I am willing.